प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज से अपन कंपटीशन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर है अपना पहला संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले देखेंगे, सबसे पहले अंक। तो अंक होते हैं अपने बेटा, अंक होते हैं अपने मित्रों 0 से लेकर 9 तक। ये जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ से अंक अपने कितने हो जाते हैं 10। और अंकों से मिलकर बनती है अपनी संख्या। तो संख्या क्या होगी, संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे, दो या दो से अधिक अंकों से, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती हैं, जैसे कि एग्जांपल 23, 28, 2420, 3432 आदि। ये क्या है, सारी संख्याएं, क्योंकि अपने डेफिनेशन में लिखा है कि दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब इसमें आते हैं, दो टाइप बनेगा, एक आता है जातीय मान। तो इसको अपन ज़्यादा तो नहीं समझेंगे, इसे डायरेक्ट ही समझेंगे। जातीय मान मतलब, जैसे कि पूछा 2342 में तीन का जातीय मान क्या है। तो तीन का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे अपन, 3। इसे मान लो जिस अंक का पूछा जातीय मान, वह स्वयं अंक होता है जातीय मान। इसके बाद आते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान मतलब उसका स्थान क्या है। जैसे कि अपन ने एक संख्या लिखी 2432 में 4 का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, कहाँ लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो क्या लिख सकते हैं, या तो 400 या 100, ये डिपेंड करता है अपना ऑप्शन से। यदि ऑप्शन में 400 आएगा तो अपन 400 आंसर देंगे, और यदि ऑप्शन में 100 आएगा तो अपन 100 को आंसर देंगे, टिक करेंगे। इसके बाद आते हैं अपन जातीय मान के बाद आते हैं संख्याएं। तो अपनी संख्याएं, सबसे पहली संख्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। पहली होती हैं वास्तविक संख्याएं, जैसे कि लिखा अपन ने वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं इसकी डेफिनेशन होगी, वह संख्याएं जिन्हें रेखा लाइन पर लिखा जा सकता है, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, -1/2, 3/4, 4/5 आदि, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। अपने ध्यान किस पर रखना है, अवास्तविक संख्याओं पर। तो अवास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी, जो रूट के अंदर होंगी, माइनस में,
वो वाली संख्याएं कहलाती हैं अवास्तविक संख्याएं। तो अपन इसकी डेफिनेशन ना लिख के अवास्तविक संख्याओं के एग्जांपल लिखेंगे। तो अवास्तविक संख्याएं, अपनी अवास्तविक संख्याएं होंगी रूट के अंदर माइनस के 2, रूट के अंदर माइनस के 4, रूट के अंदर माइनस के 6 आदि। तो इसको अपन ध्यान रखने के लिए क्या कह सकते हैं कि जो संख्याएं रूट के अंदर लिखी होती हैं वह संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं और माइनस में होती हैं। इसके बाद आते हैं अपन वास्तविक संख्याओं में आएंगे। पहली संख्या होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जहाँ से हम वस्तुओं की गणना करना प्रारंभ करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो एग्जांपल लिखेंगे, डेफिनेशन तो आ गई होगी आप लोगों के लिए समझ में कि वह संख्याएं जहाँ से हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेडेस और अनंत तक। यदि पूछें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो अपन आंसर कौन सा बताएंगे? 1। और यदि पूछें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो कौन सी होगी बेटा? कौन सी होगी बच्चों? इन्फिनिटी। कौन सी होगी? इन्फिनिटी। अब अपन आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ, तो पूर्ण संख्याएँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो जो समूह बनता है वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके भी एग्जांपल, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेडेस इन्फिनिटी। यदि पूछें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो कौन सी होगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो इन्फिनिटी। इसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यदि अपन ने लिखा धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक में सारी जितनी संख्या प्लस में होंगी सब धनात्मक पूर्णांक में आएंगी, लेकिन क्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी, मतलब अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी होंगी। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेडेस, ये हैं अपनी धनात्मक पूर्णांक। और दूसरी होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक में आएंगी -1, -2, -3, -4, -5 डेडेस। तो पूर्णांक संख्या अपनी दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सारी संख्याएं प्लस में आती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक में सारी संख्याएं माइनस वाली होती हैं। इसके बाद अपन आगे और पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के बाद में आती हैं अपनी भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का पूरा भाग चला जाए उन्हें कहते हैं अपन भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9,
दस, बारह, चौदह, पंद्रह, डेढ़ डेढ़। ये सारी संख्या क्या है? भाज संख्या, क्योंकि इसमें जैसे कि चार देखेंगे, चार में दो का भाग जा रहा है और चार का जा रहा है, छः दो का भाग जा रहा है, तीन का जा रहा है और छः का जा रहा है। ये सारी संख्या कौन सी संख्या है? अपनी भाज्य संख्याएं। ऐसे ही लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, डेढ़ डेढ़। और एक और ध्यान रखना है, यदि पूछें कि एक से लेकर सौ तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अभाज्य संख्याओं की पूछें यदि, तो क्या लिखेंगे? एक से सौ तक की गिनती में पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी कांस्टेबल 2020 में ही एग्ज़ाम में आया था। और ऐसा ही पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या की पूछे तो हम क्या बताएंगे? चार। प्यारे बच्चों या मित्रों, अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद आएगा अपना सम संख्या। तो सम संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? तो आप लोगों को यह तो मालूम होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो मतलब वे संख्याएँ जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे, या अपन दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि इकाई अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ। यदि इकाई अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ है तो वह संख्या सम संख्या है। और विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए किसे कहेंगे विषम संख्याएं? वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक एक, तीन, पाँच, सात, नौ हैं। जिन संख्याओं में इकाई अंक एक, तीन, पाँच, सात, नौ हैं, वे विषम संख्याएं होती हैं। और जिनमें इकाई अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ है, वह सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के योग के नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज? प्राकृत संख्याओं के योग के नियम। तो प्राकृत संख्याओं के योग के नियम, पहला होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो पहले अपन इसका सूत्र लिखेंगे, n प्लस वन अपॉन टू। इसको एग्जांपल लेते हैं इसका एक। तो एग्जांपल एक, कोमा दो, कोमा तीन, कोमा चार, कोमा पाँच, कोमा डेढ़ डेस, सौ तक की संख्याओं का योग क्या है? योग क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कितने पद लिखे हैं यहाँ से एक से लेके सौ तक। तो n बराबर कितना होगा? सौ होगा। और इसको इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा? 100 गुणित 100 और 1, यहाँ पे हो जाएगा 101 बटे 2। दो से काट देंगे, 2 पंचे 10, 0 का 0 गुणा करेंगे इसका 5 का, 5 एकम 5,
जीरो का जीरो, पाँच एकम पाँच, यहाँ जीरो है तो यहाँ पीछे अपन जीरो लगा देंगे। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5050। थोड़े और इस पर अपन प्रैक्टिस करते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, तो ये आप लोग बताना। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक से लेकर लेकर 200 तक की प्राक 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो बच्चों इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा है एक से लेकर 200 तक, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू रहेगी यहाँ पर n बराबर 200। वही वाला अपन फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, n n प्लस 1 अपॉन 2। n का मान क्या है यहाँ पर 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और n का मान 200 प्लस 1 बटे 2। 2 से 100 के लिए 200 को काटेंगे, 2 एकम 2 0 के 0, इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 100 इंटू 200 और 1 201। इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा अपना 201, 20 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20100। अब अपन दूसरे टाइप पे चलते हैं, सेकंड फार्मूला होता है इसका। प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग तो यह होगा एन एन प्लस 1। इसका एग्जांपल लेंगे एक, तो यह आएगा 2 4 6 8 50। का योग क्या है, यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे पद कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे बीच में आ रहे होंगे, डेड डेस अंतिम पद कितना आया, 50 आया है। तो यहाँ से देखेंगे इसका क्या करना है, अपने कितने होंगे, अपन जानते हैं कि आधी सम संख्याएं होती हैं और आधी विषम होती हैं, लास्ट पद कितना है, 50 है, तो एन का मान निकालें तो क्या आएगा, 50/2, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा अपना 25। यहाँ पे एन का मान कितना आ गया, 25। ये वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, एन का मान आएगा 25 गुणित यहाँ पे 25 और 1 ये हो जाएगा 26। इसका गुणा कर देंगे 25 का 6 में 25 छक्के 150 की 0 हासिल आए 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, तो यह आ गया अपना आंसर 650। दूसरा टाइप ऐसा भी आ सकता है, एक से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या है, ऐसा आएगा तो क्या करना है बच्चों, इसमें आधी सम संख्या होंगी और आधी विषम संख्या होंगी, तो वही एन का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 100/2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 0 का 0, यहाँ पे एन का मान आ गया 50। इसको इसी फार्मूले में रखेंगे अपन तो क्या है, एन का मान कितना है, 50 × 50 और 1 51। इसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा कर लेंगे अपन, 5 एकम 5 5 25 और 0 का 0 तो कितना आ गया, 2550।
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें।